बहराइच जिले के मटेरा और रिसिया इलाके में तेंदुए ने दस्तक दे दी। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामपुरवा गांव में, जहां बीती रात को मायूसी को शिकार बनाना चाहा तेंदुए ने, फिलहाल शिकार नहीं बनी और जो है गाय बुरी तरीके से घायल हो गई। वहीं पास में लगा हुआ गांव में एक सीसीटीवी कैमरा घर के पास, उसमें तेंदुआ जो है चहल करती समय उसका वीडियो कैद हो गया। ऐसे में गांव वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस समय मैं उसी गांव में मौजूद हूँ, गांव की ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये चारों तरफ ये तस्वीरें दिखाई कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर ओनली केवल जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। ये कोई मामूली नहीं जंगल, बल्कि ये केवल उनकी बगीचाएं और उनके जो है खेत खलिहान लगे हैं। और यहाँ पर इस तरीके से खेत खलिहान है, जहाँ आप देख सकते हैं कि अगर तेंदुआ यहाँ पर छुपा भी होगा, पास में एक इधर देखिएगा, इधर से एक रोड रास्ता भी गया है, जहाँ पर जो है किसान अपन खेतों की तरफ काम करने के लिए किसान इस तरफ खेतों की तरफ जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से एक तरफ जो है फसल लगी है, दूसरी तरफ इस तरीके से जंगल टाइप का ये बगीचा दिख रहा है, तो ऐसे में इसी समय जो है चाहे वो भेड़िया हो या चाहे तेंदुआ हो, तो ये कहीं ना कहीं यहीं से जंगलों से निकलकर वो जो है इस तरीके से हादसा करते हैं। पूछिए जी, आपका नाम क्या है? सत्रवन प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? रामपुरवा। क्या हुआ था शाम को? वही 4-4 बजे तेंदुआ आया था, हमने लेटे थे तो गाय चिल्ला रहे थे, छटपटा रही थी, तब ने उठा, तब बच्चा हठाट बोला, तब वो वहाँ से भगा, तब यहाँ थोड़ी दूर पहुँचा तब हमको दिखा, लाइट के उजाले लगा तब। तो अभी कोई प्रशासन आया आपके यहाँ? अभी तक तो कोई नहीं आया है, प्रधान जी आए थे तो उनने फोन किया है वन विभाग वाले के पास, तो अभी लोग नहीं पहुँचे हैं। ये केंद्र की जो वीडियो वायरल हो रही है, आप ही के यहाँ की? हाँ, मेरे यहाँ का है। किसके यहाँ पर ये कैद हुआ है कैमरा? ये ओमकार नाथ वर्मा के यहाँ। लगभग कितने बजे की घटना? ये वही 4:37 पर कैमरा में कैद हुआ है, और 4 बज के कुछ पहले के ही है, यहाँ हुआ है। आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि रात को क्या घटना हुई? जी, मेरा नाम रामराज वर्मा है, मैं ग्राम पंचायत रामपुर बरई का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। हमारे यहाँ आज करीब रात को 4:37 पे एक तेंदुए ने गाय पे अटैक किया। अटैक करने पे जब गाय चिल्लाई तो बगल में लेटे लोग तत्काल उठे, और उनके उठते ही तेंदुआ वहाँ से भागा, लेकिन बगल के मकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें तेंदुआ कैद हुआ है अस्पष्ट तौर पे, और उसी में देखा गया है, जिससे गांव में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। और हम लोगों ने कई बार वन विभाग से भी सुबह से कई बार सूचना दी है, रेंजर साहब से बात किया है, फॉरेस्ट गार्ड से बात किया है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ जिम्मेदार अधिकारी ना तो दिखा है, ना किसी ने यहाँ आने की ज़रूरत ही समझी है। अगर पेड़ कट जाता, अगर जो गांव में कहीं किसान पेड़ लगाता है, एक पेड़ सूखा पेड़ काट लेता है, तो पूरा वन विभाग आकर के यहाँ मौजूद हो जाता है। जैसे कहीं कोई डकैती हो गई है, अपना पेड़ लगाकर वो नहीं काट सकता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है, तेंदुआ देखा गया है, ऑन रिकॉर्ड देखा गया है, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो कोई घटना घट जाएगी, कोई बच्चा, कोई किसी बच्चे पे अटैक हो जाएगा या कोई और घटना घट जाएगी, तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार वन विभाग ही होगा। तेंदुए ने किसी को हेल्प किया? जी, गाय पे पंजा मारा, लेकिन लोग तत्काल जग गए और तेंदुआ वहाँ से निकल लिया, लेकिन वहाँ जो बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें तेंदुआ कैद हुआ है। लोगों के लिए क्या संदेश है ग्राम प्रधान? लोगों के लिए संदेश यही है कि दूसरे पे आश्रित ना होकर के स्वयं जागरूक रहें, थोड़ा सतर्क रहें, अपने बच्चों की देखभाल करें, और फिर किसी तरीके से समय काटा जाएगा। कतरा लंबा है, घुमा है तीनों पहले हर यात्रा के बाद घुमा है कोने पर देखिए स्पीड से हुआ।
है गवाह क्या है? हाँ 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 यहाँ निकल गवा।